बढ़िया खेली, इसके लिए बधाई के पात्र हैं, लेकिन हमारी टीम बधाई के पात्र है। निराशा तो देखो, ये तो आशा निराशा ये बनी रहती है। एक मैच होता है, उसके जीत और हार दो रिज़ल्ट आने होते हैं, और उसमें आज हमें हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं कहीं देखो मायूसी भरा तो है, लेकिन कोई ऐसा वो नहीं है कि यहीं पे आखिरी पड़ाव था। कोई बात नहीं, आगे टूर्नामेंट आएंगे, हमारी टीम बहुत अच्छे रिदम में है और इस हार को हम जीत में कन्वर्ट करेंगे, ये हमारी हॉकी टीम से पूरी पूरी उम्मीद है हमें। देखिए, यही चीज़ मैं कहना चाहता था कि ओलंपिक के स्टार्ट में कुछ था और आज अंत हमारी टीम एक बहुत ही अच्छे मतलब रिदम के साथ कर रही है, तो मैं ये कहूँगा कि ये बच्चों के लिए भी उत्साह की बात है कि उन्होंने ओलंपिक में जाने के बाद में जो रिदम पकड़ा, उसी के कारण वो सेमीफाइनल तक खेली, जो कि एक आज तक का रिकॉर्ड ही है। चलो, जीत हार चलती रहती हैं, कहीं नहीं रिदम बना फाइनल सेमीफाइनल के दिन भी, लेकिन आज हम हार्ड लक रहे कि हमें हार मिली। ठीक है श्वेता, देखो मैं ज़्यादा, जैसा कि आप देख रहे हो, आज भी मैं मैच नहीं देख पा रहा, मैं सोशल मीडिया और मीडिया पे जितना देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, उसमें सभी ने श्वेता की तारीफ़ की है, और श्वेता ही नहीं पूरी टीम भी तारीफ़ के काबिल है, लेकिन एक दीवार दीवार से नहीं, जब पूरी छत लगेगी तब मकान बनता है, तो अकेली दीवार से काम नहीं चलता, पूरी टीम को कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं उनको दूर करने पड़ेगी, और एक जो जीत की लय लेके बीच में बनी थी उसको आगे बरकरार रखना होगा। वो देखो, उसका ऐसा है, मेहनत करने का उनका एक जो होता है शेड्यूल होता है प्रैक्टिस का, और वो कभी भी उसको मिस नहीं करती, उसमें एक जुझारूपन है, जितना काम उसके टीम कोच के द्वारा, टीम मैनेजमेंट के द्वारा दिया जाता है, उसको वो पूर्ण करती है और 100% करती है।